सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तंबू को लेके उस बात पे कुछ कहा सुना हुई उनमें, तो वहाँ कुछ लोग हैं कश्यप समाज के, उन्होंने इसको मिलके ज़्यादा पीटा, पीटने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। आज तक के जलालाबाद कस्बे में कोई भी ये साबित करके दिखा दे हमारा भाई किसी के घर में घुसा या कोई थाने चौकी में कंप्लेंट या कोई तहरीर वगैरह दिखा दे उसकी, उसके बच्चों को कौन देगा, उसकी वाइफ को कौन देखेगा, बीबी है, बच्चे है, सभी कुछ है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई खाना पीना हर कुछ होता है। और जो वहाँ के आदमी हैं रहने वाले, उस उन्होंने बताओ पानी मांग रहा था तो मुंह सर पकड़ के उसका कह ले नाली का पानी पी। ढाई साल की दो बार लगे, एक ढाई साल की तीन है, तीन दो लौंडी आएगी। जनाब अगर बच्चों से कोई गलती होगी पढ़े लिखे लोग तभी वहाँ से आए थे विदेश से सऊदी अरब, सात साल इन्होंने वहीं काम किया, हज किया है इन्होंने जी। फिर यहाँ पे आके वहाँ से काम इनका ख़त्म हो गया था कंपनी का, फिर यहाँ से आके इन्होंने काम कुम किया, बस फिर ऐसे पैसे वगैरह करा और अब आके तो हालात ख़राब हो ही गए थे। शादी कितने साल पहले हुई? शादी भी जी कम से कम शादी साथ ही हुई थी वहाँ से 6 साल पहले, कोरोना से पहले हुई थी, 8-9 साल हो गई शादी को जी, इनकी शादी को 8-9 साल हो गए। तो यार पूरा मामला बताओ, क्या घटना हुई कल, ऐसा क्या हुआ जो यहाँ तक बात पहुँच गई कि भाई इंसान को जो है दुनिया छोड़ के जाना पड़ रहा। जैसे ये मोबाइल की प्लेट वगैरह खरीदते हैं फेरी वाले बंदे, ये काम करता था और वो बाज़ार की तरफ गया, इधर जाने के बाद उसने एक बम्बू होता है जिससे रिकॉर्डिंग रहती है आवाज तेज का, ये सब्जी वाले भी रख लेते हैं वो जो फेरी वाले रखते जी हैं जी, फेरी स्पीकर, वाले जी स्पीकर, उसमें उन्होंने उस स्पीकर की, ये नहीं उसे पता था आवाज़ इतनी बढ़ी हुई है, जैसे उनने एकदम उसे ऑन किया तो उसकी आवाज़ तेज बढ़ी। उसमें किसी ने किसी से उसकी ये होई बहसबाजी होगी, होने के बाद उसको इतना मारा उन्होंने, कुछ आदमी थे नाम मेरे जहन में नहीं है, अखबार में भी है उन लड़कों के नाम, काफ़ी मारा लोहे की रोड से। देखो ज़्यादा आदमी तो ज़्यादा होते हैं, वही एकता वाली बात थी उनकी, उन्होंने हरकत की और 112 नंबर पे फ़ोन करके उन्होंने बुलाया पुलिस को, बुलाने के बाद ये बोला कि ली हमारे मकान में घुस रहा था। आज तक के जलालाबाद कस्बे में कोई भी ये साबित करके दिखा दे हमारा भाई किसी के घर में घुसा या कोई थाने चौकी में कंप्लेंट या कोई तहरीर वगैरह दिखा दे उसकी, या कोई बता दे या प्रशासन बता दे इस चीज़ को, तो सर गुनहगार हमें उसकी सजा में देना। ये सब बहानेबाजी है, कौम परक्ष पर बात चल रही है सर, और ऐसा कर रहे हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसके दोनों ही गुर्दे खराब आए। और जो वहाँ के आदमी हैं रहने वाले, उस उन्होंने बताओ पानी मांग रहा था तो मुंह सर पकड़ के उसका कह ले एक नाली का पानी पी। लड़का था बता रहे कि 30-31 साल की उम्र थी, तो आप तो यहीं रहो देखते होंगे, आपके हिसाब से किस तरह का लड़का था? बहुत अच्छा लड़का था जी, ना उसके अंदर कुछ किसी चीज़ की कोई दिक्कत थी, ये तो जो
ऐसे ही हफा फैलाने के लिए बोल रखा है कि हमारे घर में बढ़ रहा था। दिन में कौन बढ़ता है 6-7 बजे करीब किसी घर में? ऐसे घर में बढ़ भी गया था तो तुम्हारा कोई हक नहीं था मारने का। पुलिस प्रशासन है, आपको रिपोर्ट करनी थी, आपको पुलिस को बुलाना था। जब आप तो जब बुला रहे पुलिस को, जब उसको उसके अंदर 80% अंदर से मर चुका बंदा, तब उसको पुलिस को बुला रहे आप। गरीब का घर ऐसा होता है कि एक दिन काम करेगा ना, उसी दिन उसके खाना बने। गरीब का घर ऐसा भी है जिस दिन वो फेरी पे नहीं, काम पे नहीं गया, उसके घर खाना भी नहीं बनता। गरीब को अपना बहुत कुछ सोच, अब तो चला गया बेचारा, उसके बच्चों को कौन देगा, उसकी वाइफ को कौन देखेगा, बीबी है, बच्चे है, सभी कुछ है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई खाना पीना हर कुछ होता है। जमा भाई किस तरह का लड़का था ये? जो ये लड़का ऐसा था, एक मजदूर था, इसके 3 बच्चे थे, अपना मजदूरी करता था, अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। और शाम को इसने सोचा कि अपना गरीब आदमी 100-200 रुपए यहाँ बन जाएंगे, जब मैं यहाँ की फेरी कर लूँगा। वो बम्बू सा लिए गए, आजकल उसका क्रेज चल रहा बम्बू का स्पीकर जो, जी जी उस स्पीकर का क्रेज चल रहा कि सब्जी वाले या कपड़े वाले या फेरी वाले ज़्यादातर उसे यूज कर रहे। तो वो बम्बू पे लेके, बम्बू को लेके उस बात पे कुछ कहा सुना हुई उनमें, तो वहाँ कुछ लोग हैं कश्यप समाज के, उन्होंने इसको मिलके ज़्यादा पीटा। पीटने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जो ये न्यूज है सब फैला रही अफवाह है, ये गलत अफवाह है बिल्कुल। उसको मारा गया, उसकी मृत्यु करी गई। और ये हो रहा कि जाम लगाने का प्रयास करा, ना ही कोई जाम लगा ना ही प्रयास। जैसे ही उसकी डेड बॉडी आई, उसको वहाँ लोग काफ़ी इकट्ठा थे, किसी से कोई नहीं, जितने भी अफसर लोग थे वहाँ उनसे तरीके से बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया, हम ले कर डेड बॉडी घर आ गए। किसे तू मैं किसी भी, हिंदू लोग भी हमारे साथ थे, ऐसा भी कुछ नहीं कि भाई हिंदू एक तरफ है, ना ना, वो जो इसने क्रेम किया उसको सजा मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी समुदाय मामला ना होना चाहिए, ना उनकी तरफ से ना हमारी तरफ से, हम अपने कस्बे का माहौल ख़राब नहीं चाहते। ठीक है, बस यही कहना है सरकार को देख के, उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, उनका पालन पोषण, उनकी पढ़ाई लिखाई, एक बच्चा उसका बीमार है, उसकी बीवी जवान है, उसका कुछ सोचना पड़ेगा। हमारी सरकार से यही गुहार है, विनती है। कोई काम कर।